2017 यूपी विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव, राजनीतिक लड़ाई में तीन बार लगातार मात खाने के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जोरदार वापसी की है। 2024 के आम चुनाव में सपा ने यूपी में 37 सीटें जीतकर बीजेपी को सबसे बड़ी चोट दी। सपा ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हासिल की। आम चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने अगले प्लान पर काम शुरू कर दिया है। वो प्लान है सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना। आज इस वीडियो में समझेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए सपा को किन मोर्चों पर जीत हासिल करनी है और इसके लिए अखिलेश यादव की क्या रणनीति है। लोकसभा में संख्या बल के लिहाज से सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। सपा के पास ऐसा मौका पहली बार आया है, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। ऐसे में अखिलेश यादव ने पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिलाने की रणनीति पर काम शुरू किया है। इसके तहत पार्टी प्रमुख ने महाराष्ट्र पर नजरें जमा दी हैं, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। 13 जुलाई को उन्होंने मुंबई में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ इस बाबत बैठक भी की। इस दौरान अखिलेश ने घोषणा की कि सपा आगामी महाराष्ट्र विधानसभा और महानगरपालिका चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेगी, लेकिन अगर सपा को नज़रअंदाज किया गया तो पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी। कुल मिलाकर शीर्ष नेतृत्व ने किसी भी हाल में संगठन को बूथ स्तर पर कमर कस लेने का आदेश दे दिया है। सितंबर 2022 में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति दौरान ये प्रस्ताव पारित किया गया कि पार्टी को जल्द से जल्द राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया जाए। इसके बाद प्रयास भी हुए। 2023 में समाजवादी पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने नई रणनीति यानी पीडीए की रणनीति तैयार करने वाली है। इसके लिए उसने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया स्टार्ट की है और जल्द ही अखिलेश यादव उम्मीदवारों के बारे में एक कोई लेंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में पार्टी ने अपने लिए उन सीटों की तलाश शुरू कर दी है जो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के लिहाज से सटीक बैठती हो। पार्टी नेताओं का मानना है कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली पार्टी हरियाणा में बीजेपी के अहीर वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। इसकी वजह है कि ज्यादातर अहीर खुद को यादव समुदाय का हिस्सा मानते हैं। सपा हरियाणा के 6 से 8 विधानसभा क्षेत्रों पर नजर गड़ाए हुए है, जहां मुसलमानों और अहीरों की अच्छी खासी आबादी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के पूर्व नेता डॉक्टर संजय लाठर को अखिलेश यादव ने हरियाणा में 6 से 8 जीतने लायक सीटों की पहचान करने को कहा है। लाठर के मुताबिक सपा गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में ऐसी सीटों की तलाश कर रही है जहाँ जाटव और मुसलमान अच्छी संख्या में। सवाल है कि सपा इतनी कसरत क्यों कर रही है? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। पार्टी को कम से कम 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव में 6% वोट मिला हो, 4 या उससे ज़्यादा राज्यों के विधानसभा चुनावों में 6% वोट प्राप्त हो, या 3 राज्यों के लोकसभा चुनावों में 2% सीटें हासिल हों, 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती हो। चूंकि सपा के पास अब 37 सांसद हैं, ऐसे में उसकी कोशिश राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करने की है, जिसके बाद उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। देश भर में जो राजनीतिक दल है, लोकसभा में जो संख्या बल है, उसके आधार पर हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, लेकिन हम तब भी ये चाहते हैं कि दूसरे राज्यों में भी इसका विस्तार हो। तो जो भी अभी चुनाव होंगे उनमें भी, और 2027 में जो लोग विधानसभा का उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा उसमें भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसके अनुरूप ही इस पर रणनीति पर अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। हालांकि अपने दम पर सपा का दूसरे राज्यों के चुनाव में प्रदर्शन पार्टी के लिए काफी निराशाजनक रहा है। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा ने 74 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। यहां पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिला। पिछले 3 दशकों के दौरान मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा के कुल 13 विधायक ही चुनाव जीत सके हैं। अपने गठन के बाद से सपा हर बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारती आई है। मध्य प्रदेश में सपा का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2003 के विधानसभा चुनाव में रहा। इस चुनाव में 161 उम्मीदवार सपा के टिकट पर मैदान में उतरे, इनमें से 7 प्रत्याशी चुनाव जीते और 140 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई।
2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सपा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 पर जीत दर्ज की थी। झारखंड में पार्टी 2019 के चुनाव में 17 सीटों पर लड़ी थी, उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली, हर सीट पर जमानत जब्त हो गई। हरियाणा में 2019 विधानसभा चुनाव में पार्टी 4 सीटों पर लड़ी थी और सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। 2024 आम चुनाव के बाद देश में एक नया सियासी समीकरण बनकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ बनाने वाली बीजेपी को सबसे करारी चोट इसी यूपी में लगी है और वजह है सपा। लेकिन अब साइकिल वाली इस पार्टी के सामने चुनौती है खुद को राष्ट्रीय फलक पर साबित करने की। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।